दिल्ली में श्रद्धा जैसा मर्डर, पति के 22 टुकड़े किए, फ्रिज में रखा बेटे के साथ फेंकने जाती थी 6 महीने पहले की हत्या। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, हम तो अछूत हैं चुनावी सभा में पीएम पर तंज, तुम्हारी चाय कोई पीता है, मेरी तो चाय भी नहीं लेता। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू, 2 नए दावे, आफताब को ड्रग्स सप्लाई करने वाला अरेस्ट। दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स बनाना चाहता है किम जोंग उन, कई देशों के लिए खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश में महिला टीचर के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल, हिरासत में 4 छात्र। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदिया गांव के पास बाइक सवार युवक के पैर में सरिया घुस गई, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया और वहां काम कर रहे मजदूर भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को CHC हरचंदपुर लाया गया, जहाँ हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। तब घायल के परिजनों ने युवक को निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां कटर से काट कर पैर में घुसी सरिया को बाहर निकाला गया। अभी एक पेशेंट है, क्या है? हाँ, दीपक एक आया था 23 साल का, उसके सरिया आर पार हो गई थी लेफ्ट लोअर लेग में, तो उसको यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अर्जेंट सर्जन कॉल, ऑर्थो सर्जन कॉल की गई। रायबरेली में स्थित रेयान स्कूल के पास 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर मिल एरिया थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह पहुंच गए और पुलिस व स्थानीय लोगों के साथ ट्रकों में फंसे चालक व खलासी को रेस्क्यू कर किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिल एरिया थाना प्रभारी निरीक्षक सिंह ने बताया कि मृतकों की डिटेल्स निकाल कर उनके परिजनों को सूचित किया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहां घटना हुई है? यही मोड़ पर। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 3 लोग पर। एक गाड़ी पर एक ठौरा ड्राइवर रहा, हुआ खत्म हो गया, वहीं पर 3 रहे, दो पे खत्म हो गया। घटना कहाँ हुई है? राही। लखनऊ के महानगर सचिवालय कॉलोनी में रहने वाला अभिनव चौधरी निशातगंज करामत बाजार में सामान लेने गया था। जब काफी देर तक युवक वापस नहीं आया तो परिजनों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवक की तलाश शुरू कर दी, जिसके साथ ही पुलिस ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि अगर किसी को कुछ भी पता चलता है तो सूचित करें। इस नंबर पर आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, 9454413107। वहीं दूसरा नंबर है 9454413521 पर। हरदोई में एक गन्ने के खेत में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में काम कर रहे लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां तफ्तीश की तो नर कंकाल के पास से एक फटी हुई शर्ट भी बरामद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
गोंडा में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन शनि कौथाथन के द्वारा मुजेहना ब्लॉक के सरयू सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें पत्रकारों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और सामूहिक वार्ता के जरिए उन्होंने सरकार का बखान करते हुए कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए युवा विधायक विनय कुमार द्विवेदी तथा गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा धानीपुर क्षेत्र में नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की मांग को स्वीकृत किया गया है। वार्ता के दौरान हिंदू महासंघ के जिला संयोजक कृष्ण मुरारी दुबे उर्फ गले महाराज भाजपा के पद चिन्हों पर चलने की अपील की। की ओर से टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि इस नई नगर पंचायत का गठन माननीय सांसद जी और विधायक जी के द्वारा हुआ है। इस नगर पंचायत के को युवा के हाथ में दें। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रह चुके हैं, कैसे यहाँ पर इस पहले इसको मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पे देखा गया है। बुलंदशहर के दलित युवक को रास्ते में दलित युवक की घसीट घसीट कर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दलित युवक को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। दलित युवक ने दबंगों के खिलाफ रामघाट थाने में तहरीर दी है। मैं बाजार में गया था, मोमोस खा रहा था। मैं मोमोस मैंने खा लिए, मैं वहाँ खड़ा था तो ये तीन लोग आए थे मेरे पास। इन्होंने गाड़ी उतार किए, पहले कुत्ता आ गया मुझसे। वही इनका नाम है, एक का राजेश है, एक का विशाल है, एक का शिव सिंह है। मुझे गाड़ी उतार करी वहाँ पे चमड़ा ढेड़ा, और वहाँ से पकड़ के मुझे अपने घर को खींच के ले गए। घर में ले जाके मैं मारा हूँ। और मुझे कही है साले, तुझे तो गोली मारेंगे या गाड़ी तो कुछ लेंगे, तुझे तुझे जान से ही मारना है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अतरौलिया व कप्तानगंज के थाना अध्यक्ष को हटाते हुए 6 इंस्पेक्टर व 2 एसआई का तबादला किया है। तो वहीं जहानागंज में भी नए थाना अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। कप्तानगंज में प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर प्रमेंद्र कुमार सिंह निरीक्षक अपराध जहानागंज थाना में निरीक्षक अपराध अतरौलिया थाना बनाए गए हैं, और भी कई थाना प्रभारियों के तबादले हुए हैं। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आजम खान ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनता से वोट मांगे। वहीं जनसभा के बाद वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि अब एक ही जुल्म बचा है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाला जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।